तो आज हम फिर से गाड़ी में आपको दिख रहे हैं क्योंकि कल भी हम गाड़ी में ही थे. मतलब कि हम फिर से जा रहे हैं स्कूल. क्योंकि पहले हम लोग बहुत अनश्योर थे कि हम लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे. बट क्या हुआ, जो हमने रिकॉर्डिंग करी थी उसका मैम ने कहा कि यार आप लोग ना आ ही जाओ, क्योंकि कुछ ऐसा पार्ट जैसे म्यूजिक होता है तो प्ले के पीछे म्यूजिक कहाँ लगाना है कि पहले म्यूजिक आएगा या पहले डायलॉग्स आएंगे. तो ये लोग पहले डायलॉग आएगा या म्यूजिक आएगा, तो वो उस वजह से फिर हमने कहा कि ठीक है मैम के साथ बैठ कर ही फिर वो एडिट कर लेंगे. तो अभी वहीं जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं. और यार देखो जैकेट वैकेट डाल ली, मैंने जैकेट पहन ली, शरण ने नहीं पहनी. मेरे को ठंड लग रही थी यार, मतलब 14-15 डिग्री हो रहा था. पर अभी ना गर्मी हो जाएगी, अभी हो जाएगा, दिखा रहा था 21-22 दिखा रहा था, 23-24 तक पहुंच जाएगा. हाँ अभी फिर से गर्मी हो जाएगी, पर ठीक है. बाकी ये देखो कोई ज्यादा साफ तो दिख नहीं रही मुझे. वैसे ये स्मॉग लग रहा है मेरे को, इतना साफ नहीं लग रहा. आज पॉल्यूशन कितना है, दिख रहा है पॉल्यूशन? पॉल्यूशन मेरे ख्याल में ज्यादा ही है आज. देख लो 336 हो रहा है पॉल्यूशन, 336 यानी कि ये स्मॉग या सीधा पोल्यूशन कहूंगी मैं तो इसको. पोल्यूशन भाई, पोल्यूशन बिल्कुल, पोल्यूशन देखो सारा का सारा पोल्यूशन. मजा ही नहीं आता यार देखने में सही में. ठीक है तो चलते हैं स्कूल पहुंचते हैं, फिर आपको अपडेट देते हैं. तो गाइस आ गए हम फाइनली मंदिर मार्ग की रोड पे. है शैनन एक बार फिर से स्कूल. हाँ, अभी का इस बार जो स्कूल का जो हमारा टाइमिंग होता है 40 हो चुका है. और मैम का भी फोन भी आया था, कह रही थी कि कहाँ पहुँचे, हमें 10 बजे बुलाया था, हम पहुँच रहे फिर से 10:40. अभी यार पार्किंग ढूंढनी पड़ेगी यार. हाँ, पार्किंग की बड़ी समस्या है यहाँ पे, क्योंकि पहले जब हम आए थे तो हमने अंदर लगाई थी, पता नहीं अंदर जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे. पार्किंग में लगाते हैं और अपना लैपटॉप का बैग लेके अंदर पहुंच जाते हैं. ओके नहीं भरा पड़ा है तो. पार्किंग तो पूरी फुल लग रही है यार, लगाएंगे कहाँ पे? नहीं वो नहीं लगाने देंगे. हम्म, वो लगाने नहीं देंगे. कहाँ लगाएं? इधर लगाएं, पार्किंग फॉर डॉक्टर्स ओनली लिखा हुआ है. आगे लगाएं? हम्म, आगे किधर? उधर रोड क्रॉस. रोड क्रॉस करके आनी पड़ेगी. ओह यार पार्किंग का बड़ी समस्या है, क्योंकि हमारे को सिक्योरिटी गार्ड भैया बड़े दिक्कत हो गई थी पिछली बार, क्योंकि उन्हें इन्फॉर्म नहीं था. और इस बार भी फालतू में हमारे को बहस बहस नहीं करनी है. हाँ यार अभी देखते हैं, मतलब उस साइड ना वहाँ पे सामने. हाँ। बस सेफ रहे गाड़ी, ये थोड़ा सा है खाली होता है तो निकालते. यहाँ पे लगा देते हैं, सोसाइटी में है. और पता है एक बार सोसाइटी का गेट इन्होंने बंद कर दिया था, तो इस बार पता लगा था सोसाइटी का गेट बंद कर दे मेरी गाड़ी. कहाँ लगाऊं तो पीछे करके. तो गाइस हमने गाड़ियाँ पे पार्क कर दी है. हैं शैनन, होप सो हमारी गाड़ियाँ पे सेफ रहे. हाँ चलो चलते हैं, रोड क्रॉस करना है, बड़ा डेंजर था. पता नहीं कैसे बच्चे यहाँ पे रोड रोज क्रॉस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे होते हैं ना एक साथ. हाँ। तो एक साथ जब झुंड बनता है तो ऑटोमेटिकली क्रॉस हो जाती है. तो गाइस फिर से आ गए हम शैनन के स्कूल में. पता हाँ। नहीं क्यों इसके स्कूल में आकर के ना मैं ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ. अपने स्कूल में घूमे जा रहे हैं यार. अब उन्होंने फिर से ऑडिटोरियम के पास बुलाया हमें. वो कह रहे हैं ऑडिटोरियम के पास आ जाओ, क्योंकि ऑडिटोरियम के पास कोई रूम लेंगे तो वहाँ पे बैठ करके आराम से एडिटोरेट हो जाएगा. गाइस ये मेरी पापिया मैम, बहुत बढ़िया इंडियन म्यूजिक की टीचर होती थी मेरी यहाँ पे. एंड मेरे को इतनी खुशी हो रही है कि 2 साल बाद मैं आई हूँ यहाँ पर. एंड मैम कह रही है कि मैम मेरे सॉन्ग सुनती है, इतना अप्रिशिएट करती है, कितनी ब्लेसिंग्स है. डेफिनेटली है, बहुत अच्छा गाना है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हमें प्यारे प्यारे बच्चे मिले हैं. क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम परिधि है. और आपका नाम वान्या. अच्छा, और ये कह रहे हैं इनको ब्लॉग में आना था हमारे, तो कुछ कहना चाहोगे आप? मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने आपकी वीडियोस देखी है. थैंक यू सो मच. और आप? आपका चैनल मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है, मैंने अभी रिसेंटली आपका चैनल देखा था. आपके आप बहुत अच्छा करते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.
कौन, क्या हाल है? और गिरो मत भाई तुम। डेढ़ घंटे से बैठे हुए, मेरे को तो टीचर्स भी मिल गई, आप यहीं बैठे हो। पूरा हो गया फाइनली, मतलब पूरा एक घंटे का। अभी इसके अंदर किसी एक बच्ची का थोड़ा सा डायलॉग करवाना है रिकॉर्ड। ये देखो स्कूल की घंटी पे सुन लो भाई सब। बस वेरी गुड, गुड वर्क। हेलो, कैसे हैं? कैसे हैं सर? बढ़िया, गुड गुड गुड। यहाँ पे कोई प्ले हो रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया है। सारा म्यूजिक के साथ और सब कुछ वहाँ बैठ के कर रहे हैं। मैंने देखा, मैंने कहा मिलो जैकब सर खड़े कितने सालों के बाद? अरे सो गाइस, हो चुका है अब सारा का सारा काम, कर लिया हमने आफ्टर अप्रोक्सीमेटली 3 आवर्स, है ना? 11 से 12, 12 से 1 और 1 से 2, है ना? पर हो गया है, अब निकल रहे हैं और देखो क्या क्योस हो रहा है यार। देखो अभी एक सेकंड दिखाता हूँ, रुको। देखो बच्चे ही बच्चे, कितना क्योस हो रहा है। अब हम निकलेंगे कैसे शैनन? हम पहले निकल जाएंगे इनको निकलने में। अच्छा देखो, इनकी स्कूल की बस भी रेडी है और 1:30 ऑलरेडी हो चुके हैं, है ना? है शैनन? गाइस अभी ना एक बड़ी सही चीज़ हुई, मैम जो है ना ये वाली इंग्लिश वाली मैम, ये हमारे साथ बैठकर एडिटिंग करवा रही थी, अभी आपने देखा होगा। और इनकी ना क्लास शुरू हो गई और मैम क्लास में जा नहीं पाई, तो प्रिंसिपल मैम ने इनको बुला लिया, तो क्योंकि सारे के सारे बच्चे शोर मचा रहे थे एज़ यूजुअल। वही खाली क्लास होगी तो बच्चे शोर मचाएंगे, है शैनन? सारे बच्चे शोर मचा रहे थे इसलिए मैम को बुला लिया। और मैम टेंशन में आ गई बहुत ज़्यादा। बेचारे, ये रहा स्कूल और ये इसके साथ में चर्च, सेंट थॉमस चर्च। सो गाइस, हमने खाना वगैरह सब कुछ खा लिया है, लंच कर लिया फटाफट से। और खाना भी हमने कहाँ खाया है? डैड के ऑफिस में, मतलब हल्दीराम से मंगवा के। मतलब हमें इतना प्यार है हमारे फैमिली वालों से, देख रहे हो तुम? ऑफिस में जाकर के लंच कर रहे हैं, और अब हम जा रहे हैं घर वापस, क्योंकि घर पे शैनन को लेनी है क्लास पियानो की, ऑनलाइन पियानो क्लास लेनी है। और यार शाम को एक वेडिंग में भी जाना है। पर अब लोग कहोगे यार कितनी वेडिंग्स अटेंड करते हैं, वेडिंग 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 वेडिंग। मेरे को तो लग रहा है आने वाले टाइम में ना लोग हमको ना बुलाएंगे कि ब्रदर हमारी ना वेडिंग हो रही है, हमारी वेडिंग का ब्लॉग कर दो आप। ऐसे बुरा नहीं है ना आइडिया, अच्छा आइडिया ना, अगर आप में से किसी घर वाले की वेडिंग हो ना हमें बुलाना, हम ब्लॉग करेंगे। यार शैनन एक चीज और मैं भी सोच रहा था, अभी हम लोग स्कूल में गए थे तुम्हारे, और वहाँ पे कुछ ऐसा है क्या कि वहाँ पे लड़के नहीं आते हैं क्या? क्योंकि गर्ल्स स्कूल है, और मुश्किल से अगर 2-3 भैया लोग भी दिख जाएं, हाँ, तो क्या मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है। हमेशा से यही होता आ रहा है, जब मैं स्कूल में भी थी ना और शॉन जैसे आते थे एनुअल डे अटेंड करने, क्योंकि भाई ये पूरा परिवार आता था मेरा एनुअल डे देखने, सारे लोग ऐसे लोग थे, लड़कियां सिर्फ लड़कियां, और वो ऐसे करती थी जैसे ये शैनन का भाई है ना, शैनन का भाई, और ना पहले बोलते थे शॉन, हाँ, बोल कर चुप हो जाती है। हाँ, तो यही हुआ आज भी, अभी हम करने गए हैं ऐसे ताड़ रही हैं, मतलब बच्चे हैं छोटे छोटे स्कूल के अंदर, इधर से उधर से इधर से पीछे से भाई को देखे जा रहे हैं, मतलब अच्छा जैसे उनकी तरफ देखो ना तो अपना मुंह इधर उधर, हाँ, हम तो देख ही नहीं रहते। बस यही होता है भाई, गर्ल्स स्कूल में जाओगे तो यही होगा। मैम भी हंस रही थी पता है इस बात पे, मैम बैठी है काम करा रही है, सामने से लड़की आके झांक रहे हैं। अच्छा एक ना सामने बहुत बड़ी सी विंडो थी, वो भी मैं आपको विंडो दिखाता हूँ, ये वाली विंडो, और ये विंडो के बाहर ना बच्चे ना पहले तो सारा शांत पड़ा हुआ था, हाँ। और हम कर रहे हैं अपना आराम, सैनिटी वेनिटिंग कर रहे, बीच में भाई वो क्या लॉन्ग ब्रेक हुआ था, क्या हुआ था पता नहीं क्या था, सारे के सारे आ गए, सारे के सारे लड़कियां आ गई, और ना वो सामने से देख रही है ये कौन बैठा हुआ है, मतलब ये लड़का कौन बैठा हुआ है, वैसे मतलब लड़का को देखने में नहीं मिलता, हाँ, तो मैं लड़का कौन बैठा हुआ है, मैम कहती कि अच्छा लड़का आया है ना, हाँ, तभी दीज गर्ल्स आसपास घूमे जा रहे हैं। पर भाई साहब ऐसे ही होता है, नहीं सही है यार, अब बताओ लड़कों के स्कूल में शैनन चली जाए तो क्या होगा, हो जाएंगे ना पागल, हो जाएंगे कुछ नहीं होगा, नहीं नहीं, अरे देख रहे हैं इतनी एक्साइटमेंट हो रही है, नहीं नहीं नहीं, मेरी आवाज सुन के सब बेहोश हो जाएंगे, नोबिता जैसी आवाज आ रही है, हेलो जी एन, क्या वैसे बोलता है, नहीं ना यार। तो
गाइस चलो अब घर पहुंचते हैं, घर पहुंच कर आपको अपडेट देते हैं, और उसके बाद यार हार्डली हमारे पास 2 या 3 घंटे बचेंगे, उसके बाद हमको वेडिंग में जाना, आपको वेडिंग भी दिखाते हैं कैसी है किसकी है, तो चलो। सो गाइस मैं तो हो गया हूँ तैयार, बढ़िया सा रेड कोट रेड ब्लेजर विद ब्लैक शर्ट। शैनन को देखो, शैनन कोशिश कर रही हूँ, लग नहीं रहा है पर। कोशिश कर रही है मतलब इसको ना पहले तो बैंड नहीं मिल रहा था, आधा एक घंटा इसने इसमें वेस्ट किया है भाई। और पता है मतलब जूते नहीं है इसके साथ, मैं यही पहन लूंगी, नहीं तो दिख रहा है स्पोर्ट्स शूज। हाँ इस ड्रेस के साथ। हाँ क्योंकि मेरे पास सीरियसली नहीं है मेरे पास, मैं एक जूते से काम चलाती हूँ। सीरियसली यस, आप में से किस किस के पास एक ही जूता है कमेंट करो, सब मेरे अच्छा स्क्वाड में आ जाओ एक जूते वाले। फाइनली शैनन को ये बताओ कुछ पुराने पड़े हुए जूते मिल गए हैं। पर गाइस ये बताओ ये कैसा है? कैसा? ये बनी। अरे वाह ये कुछ नया है ना, क्या मैं इसको ऊपर खड़ा कर दूं? अरे हाँ यार ये बढ़िया लग रहा है। पहली बार देख रहा यार मैं। क्या कर रहा हूँ समझ आ रहा है? मैंने कभी नहीं देखा ये चीज, पहले नहीं देखी यार कभी। मैंने पहली बार पहना है, मुझे हंसी आ रही है खुद पे, बहुत सही लग रहा है यार, मुझे हंसी आ रही है। तो ये तो फिर ये जूते हैं? नहीं यार ये बहुत पुराने हैं, ये बहुत पुराने हैं। तो क्या हुआ, बढ़िया लगेंगे, बट ये जो ना ब्लैक के साथ जाएगा, ये आएगा भी ब्लैक ड्रेस के साथ, ये क्या आएगा ही नहीं, मेरा पैर फट चुका है, ये गिरा देगा मेरे को। टिप टॉप है बिल्कुल, आ जाएगा मुझे लग रहा है। मैं ना हाँ ये फेलियर होता दिख रहा है, पता नहीं क्यों मेरे को मेजर। ये बहुत पुराने हैं गाइस, ये बहुत ज्यादा पुराने हैं। गरीबी यार, गरीबी है यार, बहुत गरीबी। मैं ना जूते खरीदना चाहती हूँ मैं, पर ठीक है। ओए तू मेरी हाइट पे आ गई भाई, ये देख। हाँ मतलब ऑलमोस्ट, हाँ जैसे गानों में दिखता है, वो तेरी हाइट सही लग रही है, बड़ी बड़ी लग रही है तू। बनी सही है मेरा, वो तो बढ़िया। अगर मैं ये ऐसे रखूँ? हाँ ऐसी सही है, ऐसी सही है। नहीं यार सब सोचेंगे क्या है। नहीं कोई कुछ नहीं सोचता। पक्का? हाँ ठीक है, ऐसी सही। तो गाइस हम आ गए हैं द ग्रेस बाय सिम्फनी, सो यहाँ पे है शादी, और शैनन भाई बनी आ गया, ये पूरे रास्ते ना सोती हुई आई है। नहीं मेरे को झपकी आ रही थी यार, हाँ सुबह हम स्कूल गए थे एडिटिंग करनी थी, और हाँ। उसके बाद हाँ, तो नींद आ रही है। ये क्या मतलब, ये क्या बात हुई, एनर्जी लेवल तो हमारा डाउन है बहुत ज्यादा। गाइस देखो क्या बढ़िया सेटअप हुआ हुआ है यहाँ पे, द ग्रेस कितना प्यारा लग रहा है, कितना प्यारा, पूरा फुल है, पूरा पैक्ड है यार, लोग ही लोग, मजा आ गया यार देख के, बहुत ही बढ़िया। अब चमक रहे हैं, सही लग रहे हैं, बनी आ गया है यहाँ पे, बनी आ गया, मैं बनी के लिए आ गई हूँ, अच्छा है, सुंदर है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, और लाइट भी अच्छी है ना, चमके से लग रहा है। ये रहा भाई शादी का केक, मम्मी खाएंगे शादी का केक, है भाई शादी का केक, शादी में और केक नहीं खाए, ले लिया। हाँ अब खा के देखते हैं कैसे, okay. बहुत ज़्यादा ना फ्रूट्स वगैरह हैं, तो जैसा अपना क्रिसमस का केक नहीं होता, हाँ। वैसा तो लग रहा है, खा के देखते हैं। मम्मी खाया कैसा लगा? टेस्टी वेरी नाइस, क्रिसमस का केक कैसा है? I'm running your way, but you push me away, your lifeline, losing, ooh, losing your mind. I'm here for you, babe, I've loved you the same this whole time, so tell me, what's on your mind? ये होता है केक, और यहाँ से इसमें ऐसे था जो कट किया जाता है, और इसमें से निकाल कर कैसे लोगों को खिलाया जाता है, जो कितने सारे पीसेस ही पीसेस। अब कोई गाइस केक की रस्म होने वाली है, वो जो भाई साहब है ना वहाँ पे जो स्टेज के पास खड़े हैं, वहाँ से सारी की सारी एंकरिंग वगैरह कर रहे हैं, तो वही मैं देख रहा हूँ कि कौन सी रस्म है देने वाली शायद से। तो जो लेफ्ट वाले हैं वो लड़की के मम्मी पापा हैं, और जो राइट वाले हैं वो लड़के के,
तो इसमें शायद से केक जो है वो दिया जाता है लड़के वालों की तरफ से लड़की वालों को। तालियां दोस्तों। अब लोगों को कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत ब्राइट है। ब्राइट है ना? हाँ, और लाउड भी है बहुत ज्यादा। और यहाँ पे बैठे हुए हमारे चर्च के कुछ लोग, हमारे चर्च के पास्टर साहब और उनकी वाइफ। देख लो गाइस, ये है यहाँ पे स्नैक्स सारे के सारे। भाई साहब, हम आ गए हैं यहाँ पे टिक्की खाने, क्योंकि बहुत देर से बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। खाना तो बाद में खाएंगे, पहले टिक्की खा लेते हैं। आओ, आपको भी टेस्ट कराते हैं। यार बहुत देर से बहुत भूख लग रही थी। चम्मच पकड़ लिया। देखो गाइस, वो खड़ा है, ये शख्स तो जानते हो आप। गाइस, ये जो हम अभी थे ग्राउंड फ्लोर पे, हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे देखने के लिए कि क्या है ऊपर सेटअप वगैरह, क्योंकि बोल रहे थे कि फर्स्ट सेटअप पे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है खाने वगैरह का इंतजाम। तो देखते हैं कि कहाँ है ये रहा। ओह, ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली कॉपी है भाई। I said, baby, I'm done. I'm so sick and tired of the way you just run. Say it takes two when you build that trust. I feel alone in the so-called love. I said, shawty, I'm done. Driving on this one-way road. Even with you, I'm alone. कहाँ जा रहे हो भाई? कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने। कॉन्ग्रेचुलेशन, हम यहीं तक थे बस। तो गाइस, अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं। हाँ, चलते हैं। काफी बढ़िया थी वेडिंग, और अभी बज रहे हैं 11:30 बज रहे हैं। Very nice, खाना बहुत बढ़िया। खाना बहुत ही बढ़िया। चलते हैं। तो जी गाइस, हम आ गए हैं घर वापस, और यार 12 बज गए, पूरा का पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। बट आई होप आपको ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर से करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी हम लोग में ना बहुत समझे ना मोटिवेशन आएगा, तो हम बहुत बढ़िया बढ़िया व्लॉग्स बनाएंगे आप सभी के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।